माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बगैर खौफ के आज सब चले गए हैं। नहीं, दूसरा भी छोड़ दें, दूसरा छोड़ दें, डर रहे हैं भाई साहब, डर रहे हैं। ये होता है एंजॉय करने वाला काम। हाजी साहब एंजॉय करते जा रहे हैं, वेरी गुड गुड। हाजी साहब छा गए, हाजी साहब आप छोड़ दो, वेरी गुड, जिंदाबाद हाजी साहब, वेरी गुड वेरी गुड, माशाल्लाह। और ये साहब रवाना, भैया साहब देखो इधर, और रवाना हाथ छोड़ दे, ये सब डर रहे हैं, खौफ है इनमें थोड़ा सा, इनको कहा कि हाथ छोड़ दें। ये सब लटकते हुए जा रहे हैं जी, पीछे देखें, हाँ माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत से हम कश्मीर में आए हुए हैं और अपना एंजॉय के लिए ये कोई नया एडवेंचर है। बहुत अच्छा है जी, एक एडवेंचर है और आपकी जिंदगी में एक एंजॉयमेंट है, एंजॉय करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, और मेरा जो जिप लाइन का पहला सफ़र है और ये बहुत ही मज़ेदार सफ़र है, देखते हैं इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे और मज़ा करने के लिए आए, घूमने के लिए अल्लाह ताला खैर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन आज मैं आपको आज़ाद कश्मीर का एक खूबसूरत इलाका रावलाकोट दिखाने लाया हूँ। रावलाकोट जाने से पहले जब आप रावलाकोट शहर इंटर होते हैं, सबसे पहले आपको जो खूबसूरत नज़ारा नजर आता है वो यहाँ का नरगोला वाटरफॉल। यहाँ पे दो तीन चीज़ें जो बड़ी सियाह को कशिश लाती हैं, उनमें एक जिप लाइन है और दूसरा यहाँ पे केबल कार है। जिप लाइन सयाह आता है, उनको वो खुद इंडिपेंडेंटली ये सारा सीन क्रॉस करना होता है, दूसरी तरफ जाना है, ये एक एडवेंचर है। जो बंदा बाहर से आता है उसके लिए बड़ी खूबसूरत जगह है। अभी कुछ सयाह यहाँ मौजूद हैं, वो यहाँ से जिप लाइन के जरिए दूसरी तरफ जाएंगे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप मेरे साथ चलिएगा। सयाह जो हैं वो पहले अपनी तसल्ली कर रहे हैं, क्योंकि कुछ अर्सा पहले आज़ाद कश्मीर में ही एक इस तरह का सानहा हो चुका था, जिसमें केबल कार का जो है वो आप लोगों को सबको पता है कि टीवी में लाइव दिखाया था। अब सयाह थोड़े से मोहतात होते हैं, ये देखें इस तरह पहले उन्होंने उनको कवर करना है। इसी तरह कभी देहातों में जो रेड़ा होता था उसमें जो खच्चर को जोता करते थे, ऐसे ही वो सीन होता था। मैं अब चूंकि अपने इलाके की अब मिसाल लेकर समझा रहा हूँ, तो इसलिए ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह जो सयाह दोस्त हैं वो समझते हैं मेरी इस बात को, वो हंस रहे हैं, तो वो देखे ना बिल्कुल वही सारी चीज़ की उन्होंने। भाई साहब 10 मिनट की मुसाफत तय करके और हम 10 घंटे की मुसाफत तय करके हैं, अब देखो फर्क होता है ये चीजों का। भाई साहब कहते हैं मैं पैदल आया हूँ, अच्छी बात है इनकी। बहरहाल एक चीज मैंने देखी है कि आजाद कश्मीर के जो लोग हैं वो प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं और बड़े वो खलूस वाले लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छे हैं। बाकी बनस्बत बाकी जो हमारे हमने पूरा पाकिस्तान घूमा फिरा देखा, ये लोग कदरे हमें बेहतर नजर आ रहे हैं बाकी लोगों से। ये हमारे दो नौजवान सयाह यहाँ मौजूद हैं, अभी यही सामान इनके ऊपर भी बांधा जाएगा और फिर इसी तरह ये निकलेंगे, देखें ना। वो भाई साहब ने मौलवी जी को कॉल किया, मौलवी जी आ जाए ना, मौलवी जी आ जाए, क्या कर रहे हो जी, आए ना जी, मौलवी जी क्या कर रहे हो, आना दोनों को पढ़ेंगे जी, आना जी, देखो ना ये देखें माशाल्लाह। थोड़ा मज़ेदार चीज़ है, मतलब डिफरेंट चीज़ है एक। बाकी डोली में तो लोग सफ़र करते हैं, ये पीछे डोली नज़र आ रही है, डोली में सफ़र करते हैं, और ये जो जिप लाइन है ना, ये थोड़ा सा एडवेंचर है, बंदा थोड़ा सा एंजॉय करता है, थोड़ा सा खौफ आता है, सारी चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं। देखो ना ये चीज़ आज देखने वाली, मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। अगला मरहला जो इनका है, दूसरा जो एहतियाती उन्होंने काम किया है, ये बेल्ट लगाए हैं और क्लिप लगाए हैं, क्लिप लगाने के बाद ये
आखिरी जो उनका मरहल है उसको ये आपने सुना भाई साहब ने जो बताया सारी चीजें जिप लाइन के लिए जो है ना एक पुल्ली पे जिप लाइन होती है यहाँ पे डबल डबल पुल्ली लगी हुई है और डबल डबल इसकी जो रोप लगी हुई है और हर चीज हमने डबल डबल लगाई हुई है सिंगल कोई चीज भी नहीं है बाकी फिर रब की मर्जी है। ये एहतियाती तदाबीर बताई है इन्होंने कि इन्होंने इंतहाई जो है ना एहतियात के साथ ही सारा काम किया है। बेसिकली तो ये थोड़ी सी डराने वाली चीज है मगर कॉन्फिडेंस है ना इसमें। अब देखिए इन्होंने अपना जो इलाकाई तौर पर हरन दिया आगे एक बंदा मौजूद है वहाँ पे इनका मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ वो आप बंदा सामने नजर आ रहा है आपको ये देखे माशाल्लाह जी हमारी पहली सवारी हिज फर्स्ट फ्लाइट आजी बकर साहब जो है माशाल्लाह 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 बगैर खौफ के आजी साहब चले गए हैं। और माशाल्लाह कामयाबी के साथ पहुंच गए हैं और वो बंदे ने वो आगे से रिसीव कर लिया उनको वेल डन जबरदस्त। हाँ माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से हम कश्मीर में आए हुए हैं और अपना एंजॉय के लिए ये कोई नया एडवेंचर है जिप लाइन तो इस पे हम जो ना पहली दफा जा रहे हैं झूला लेने के लिए। खौफ आ रहा है आपको? नहीं नहीं कोई खौफ नहीं है अल्लाह का शुक्र है। खौफ किस बात का, ये अल्लाह की तरफ से जिंदगी मौत अल्लाह ने देनी है। भाई साहब माशाल्लाह सफेद दाढ़ी है और जवान जज्बा इनका। देखिए अभी जब प्रवास बढ़ते हैं तो खौफ में जाते हैं कि हवा में उठी उठी जाए जाते हैं। अभी देखते हैं आपके सामने अजयता साहब माशाल्लाह उनको सीट बेल्ट जो है ना वो बेल्ट लगना शुरू हो गया है ना। जैसे सीट बेल्ट लगेगी अजयता साहब को ये भी हवा में उठते हुए जाएंगे दूसरी तरफ। तो आप समझे कि ये इनका फजाई सफर है। ये भी है बहना 1700 फीट हाइट पे ये जा रहे हैं। 1700 फीट हाइट है जी इसकी जिसमें ये सफर कर रहे हैं और अल्लाह करे इनका सफर भी पहलों की तरह दोस्तों की तरह बेहतरीन हो कामयाब हो। ग्रीन सिग्नल दे दिया नहीं अभी अभी आपको सेफ्टी लगेगी एक और मशीन। आज साहब तो बहुत जल्दी में है अभी इनको एक सेफ्टी और लगनी थी वो जल्दी में मैंने पहले पहुंचा वहाँ पे। ये देखिए कितना उन्होंने इंतजाम किया हुआ चीज़ों का बहुत उन्होंने मजबूती के साथ चीज़ों का रखा हुआ है। अगर हाथ आप छोड़ भी देंगे तो हाथ लहराते जाएंगे कुछ नहीं होगा आपको। आराम से भाईजान मेरी तरफ देखिए जरा पीछे देखें हाथ हलाएं हाथ हलाएं हाथ छोड़ दें कोई मसला नहीं। दूसरा भी छोड़ दें दूसरा छोड़ दें डर रहे हैं भाई साहब डर रहे हैं। ये होता है एंजॉय करने वाला काम। हाजी साहब एंजॉय करते जा रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड। ये एंजॉय कर रहे हैं भाई साहब अपनी मंजिल पर पहुंच गए जी। हमारे साथ एक और सयाह मौजूद हैं हजी अय्या साहब इनसे पूछते हैं ये क्या महसूस कर रहे हैं साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और मेरा ये जिप लाइन का पहला सफर है और ये बहुत ही मज़ेदार सफर है। देखते हैं इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे और मज़ा करने के लिए घूमने के लिए अल्लाह ताला खैर दे और दुआ करना मैं खैर से रहूँ। ये हवाई सफर आपका तो क्या मतलब आपको इंशाल्लाह लजीज़ हमें खुशी महसूस हो रही है देख रहे हैं इंशाल्लाह कुदरत के नज़ारे हैं हसीन उसको क्या कर रहे हैं अल्लाह पाक हमें और सबको हिम्मत दे घूमने की सैर करने की सब चीज़ें वो लेके आ गया भाई साहब। अब मजीद कर्ज लगाए जाएंगे सेफ्टी के लिए और जितनी सेफ्टी की जाए वही बेहतर है।
सेफ्टी में जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए फ़ायदा मंद होती सारी चीज़ें, तो इसलिए सारा काम किया है माशाल्लाह। दोस्त जो है ना जी, बताएं भाई साहब ये कहाँ पे हैं? अस्सलाम वालेकुम, ये आप इस वक्त रावला कोट में कश्मीर ज़िपलाइन नड़गोला वाटरफॉल पे मौजूद हैं और ये फुल एडवेंचर है, ज़िपलाइन है और साथ में नीचे केबल कार भी। भाई साहब ने आपको अपनी जगह का तारफ करा दिया, इन्होंने हमसे पैसे लिए हैं हमारी इस सफर के और अपनी एडवर्टाइजमेंट आप इन्होंने मुफ्त में करवा दी है। चलिए कोई बात नहीं, इनका राइट बनता है, आप पूरी दुनिया देखेगी और ये देखेगी कि रावला कोट में जो ज़िपलाइन है वो किन की है और अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, प्यार करने वाले हैं। अभी यया साहब की तैयारी है, उड़ान भरने जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे यया साहब कैसे सफ़र को कम्प्लीट करते हैं अभी हम देखते हैं इनको। जो बकर साहब जो गए थे तो वो तो हवा में, मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाल, अब यया साहब क्या करते हैं? बेसिकली हमने यया साहब को वो बदोबदी वाला सीन ऐड किया है, यया साहब इसमें बदोबदी ऐड हुए हैं। अब यया साहब मेरी तरफ देखिएगा, जाने से पहले मेरी तरफ देखें माशाल्लाह, और यया साहब रवाना, भैया साहब देखो इधर और रवाना, हाथ छोड़ दे, ये सब कर रहे हैं, खौफ है इनमें थोड़ा सा, इनको कहा कि हाथ छोड़ दें, ये सब लटकते हुए जा रहे हैं जी। और ये सब इस तरफ देखना शुरू हो गए, और ये सब हिलाकर वहां पहुंच चुके हैं कामयाबी से। साजिद साहब लाहौर से तशरीफ लेके आए हैं, माशाल्लाह देखने में बुजुर्ग हैं, जज्बा इनका जवानों की तरह है। भाई साहब क्या महसूस कर रहे हैं माशाल्लाह, कैसा ये चीज़ आपने फील की, जिप लाइन का शौक था आपकी वजह से लोग यहाँ पे आए, क्या फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा जी, एक एडवेंचर है और आपकी जिंदगी में एक एंजॉयमेंट है, इसको एंजॉय करना चाहिए, अल्लाह पाक हिफाजत से सबको ये एंजॉयमेंट करवाए, दोस्तों के साथ आए एंजॉय करने के लिए माशाल्लाह जी। उन्होंने कहा जी मैं लाहौर से एंजॉय करने आया था और ये मेरा एडवेंचर का शौक था, आज मैं एडवेंचर करने जा रहा हूँ, सेफ्टी पिन सेफ्टी बेल्ट लगने शुरू हो गए हैं, आई साहब बैठ गए हैं और अभी इनकी प्रवास जो है ना वो चलने वाली है। और सच्ची बात है मुझे देखते पहले डर रहा था, अब इन लोगों को देख के मुझे भी शौक पैदा हो रहा है कि मैं भी ये एडवेंचर करूँ और इसके बाद अब मेरा नंबर होगा इंशाल्लाह, जैसे ये लोग वहाँ पहुँचेंगे तो आखिर में मेरा नंबर होगा। ये बेल्ट लग गया उनको और मजीद सेफ्टी बेल्ट लग रहे हैं, बहुत एहतियात कर रहे हैं ये लोग क्योंकि एक दो सानहा इस तरह के हुए और उसके बाद ये लोग बहुत मोहतात हो चुके हैं। अपने सफर की तरफ अभी रवा दवा होने वाले हैं, मैं उड्डी उड्डी जामा हवा दे नाल, ये हमारे चौथे दोस्त हैं जो हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं। वेरी गुड हाजी साहब, छा गए हाजी साहब, आप छोड़ दो, वेरी गुड, जिंदाबाद हाजी साहब, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और अब देखे ना, अब ये डोली भी साथ जा रही है, अब ये डोली बेसिकली मेरी जिप लाइन लाने के लिए उधर जा रही है, चूंकि मैंने भी जाना है तो इनके पास चार सेट थे तो चारों के चारे मेरे दोस्त चले गए, अब मैं हूँ तो मेरे लिए अब ये डोली जा रही है। भाई साहब अपनी जगह पे पहुँच चुके हैं, अब मैं इंशाल्लाह निकलता हूँ यहाँ से, मेरे साथ रहिएगा। अब ये लवाजमात पहनने की मेरी बारी थी, दोस्त मेरे जा चुके हैं, अब पांचवा नंबर मेरा था और अब ये बेसिकली जो बेल्ट है मुझे पहनाए जा रहे हैं, ये सेफ्टी बेल्ट है, इसके बगैर जिप ड्राइव जो है वो पॉसिबल नहीं है और इससे ही मैं अब निकलूंगा, बाकी दोस्तों के पास पहुंचूंगा। अब आप लोगों ने मेरे साथ रहना है क्योंकि अब जो मजीद सेफ्टी बेल्ट है वो मुझे पहनाए जाएंगे, इसके लिए मुझे ऊपर चढ़ना पड़ेगा, आप देख रहे हैं काफ़ी हाइट पे है, कश्मीर का ऊपर झंडा चल रहा है। और ये मैं बताता चलूँ आपको कि ये आज़ाद कश्मीर में पहला ज़िप लाइन है, कश्मीर में और ज़िप लाइन नहीं है, इसलिए हमने इस जगह का चुनाव का इंतखाब किया, हम रावला कोट आए, रावला कोट में आके यहाँ पे पहुँचे, ये नरगोला वाटरफॉल है और यहाँ पे जो इनका ज़िप लाइन है ये अब मैं ज़िप के ड्राइव करने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा देखिएगा। अब मैंने
ऊपर जाना है, वहां जाकर और मुझे मजीद जो है ना उन्होंने सेफ्टी बेल्ट लगाने हैं, सेफ्टी बेल्ट लगाएंगे और उससे मैंने फिर आगे अपने दोस्तों के पास जाना जो पहले वहां मौजूद हैं। खौफ आता है थोड़ा सा, बेसिकली इंसान है, गहराई बहुत ज्यादा है। कितने हजार फिट है जी? 1700 फिट हाइट पे है, तो इंसान नीचे देखता खौफ आता है, हवा में होता है इंसान, कोई सानिया कोई हादसा हो सकता है, मगर चूंकि सारी चीजें इन्होंने सेफ्टी के लिए रखी हुई है, हर चीज बेहतरीन है, तो प्रॉब्लम नहीं आती बेसिकली ना। अब ये मुझे सेफ्टी बेल्ट लगाएंगे, आप लोगों के सामने देख लेना जरा, ये तार तो, हाँ ये देखे ना, मेरा पेट चूंकि लोगों से ज्यादा है, थोड़ी सी इन्हें दिक्कत आई है इसको कवर करने के लिए, इनका मशवरा है कि पेट को कम किया जाए। जी इंशाल्लाह पेट कम किया जाएगा, हाँ ये मशवरा भी दे रहे हैं, 300 सीढ़ियां नीचे जाना मैंने। अभी मैं ड्राइव करूंगा, आप लोगों मेरे साथ रहना। अभी मैं भी निकल रहा हूँ जी आप लोगों के सामने, हाथ में मोबाइल है, थोड़ा सा खौफ तो है इस चीज का कि मोबाइल कहीं स्किप ना हो जाए। जिप ड्राइव के बाद वापसी का जो मरहला होता है वो केबल पे होता है, ये डोली जिसे इसे इलाके जबान में कहते हैं, ये सयाहों को लेके फिर वापस निकलना होता है इन्होंने। हाँ ये कार तो नहीं है, डोली है बेसिकली, ये केबल डोली, और मैं भी इनके साथ वापस निकलूँगा। और इनसे हमने गुजारिश की है जब हम दरमियान में पहुँचेंगे तो ये हमें थोड़ा वक्फा देंगे ताकि मैं आपको वहाँ से ऊपर से सीन सारे दिखा सकूँ इंशाल्लाह। खड़े हो जाने